वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ये डायलॉग भले ही डॉन फिल्म का था लेकिन हम बात आज असली डॉन की कर रहे हैं, यानी डी कंपनी का वो डॉन जिसके इंतजार में हर मुल्क की पुलिस रहती है और भारत की पुलिस तो खासकर। लेकिन आज हम आपको जो डी कंपनी के बारे में खबर बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम खबर है। बता दें कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ईडी की टीम ने शुक्रवार को नवी मुंबई में स्थित तलोजा जेल से अपनी कस्टडी में ले लिया है। ईडी की टीम इकबाल कासकर को मुंबई कार्यालय में लाकर पूछताछ करेगी और ईडी की छानबीन में अब तक दाऊद गिरोह के 5 बदमाशों को मुंबई में सक्रिय हैं वो ऐसा पता चला है। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने इकबाल कासकर को अपनी कस्टडी में लेने के लिए ठाणे के कोर्ट में आवेदन दिया था और इस पर ठाणे कोर्ट ने गुरुवार को इकबाल कासकर यानी डॉन के भाई को ईडी के हवाले कर दिया और इसी वजह से आज सुबह ईडी की टीम तलोजा जेल पहुंची थी और इकबाल कासकर को अपनी कस्टडी में ले लिया। बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने मुंबई समेत देश में विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले इनपुट मिलने के बाद कुख्यात बदमाश दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी की टीम ने मुंबई में दाऊद इब्राहिम की बहन यानी हसीना पारकर और उनके भाई इकबाल कासकर और इकबाल मिर्ची और छोटा शकील सलीम कुरैशी समेत 10 बदमाशों के घर पर छापेमारी की थी। पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि दाऊद इब्राहिम का गैंग यानी डी कंपनी भारत में अब एक्टिव हो चुका है और यहाँ कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रच रहा है और ये भी सामने आया था कि कराची में छिपा दाऊद अपनी साथी और छोटा शकील और दूसरे भाई जिसमें अनीस इब्राहिम की मदद से वो मुंबई और आसपास के इलाकों में हवाला अवैध बेटिंग रियल स्टेट का कारोबार कर रहा था। बता दें कि इसके अलावा कई सारी उगाही में भी इस डी कंपनी का नाम सामने आया है। फिलहाल 2017 में दर्ज किए गए 3 केसों की वजह से वो जेल में बंद है। ये केस जबरन उगाही से जुड़े हैं, इसमें कासकर पर मकोका लगी हुई है और ऐसे में इकबाल कासकर पर अपने भाई यानी दाऊद के साथ मिलकर गैंग डी की गतिविधियों को चलाने का भी आरोप है। कहा जाता है कि कासकर की डी कंपनी के अवैध धंधों को मुंबई में देखा जा रहा है और इसी की वजह से ईडी ने उसके साथ पूछताछ के लिए उसे जेल से बाहर निकाला है। तो आपका इस खबर में क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK News, राष्ट्र के नाम।